Hello and good morning, everyone. This is your Anshli ma'am, your science teacher. So, today I am here and today we will learn about changing forms. So, in my previous class, we had learned solids, liquids, and gases, and today we will learn and talk about changing forms. So, open page chapter number 10 and page number 78. चेंजिंग फॉर्म्स इट मींस सॉलिड लिक्विड और गैसेस अपने रूप को कैसे अपनी फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं हीटिंग चेंजिंग फॉर्म्स हीटिंग अ सॉलिड कैन टर्न इट इंटू लिक्विड अगर किसी सॉलिड चीज को हम हीट करें उसको गर्मी दे वो गर्म करती है गर्म करेगी तो वो लिक्विड में टर्न हो सकती है लिक्विड में चेंज हो जाएंगी जैसे यहाँ पर बटर था सॉलिड पीस ऑफ बटर था हमने उसको मेल्ट किया जब उसे मेल्ट किया हीटिंग heat, पर तो वो क्या होगी वो लिक्विड की शेप में आ गया अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बटर का पीस था ये मेल्ट हो गया है और मेल्ट होके ये लिक्विड की शेप में आ गया वी कॉल दिस मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड ऑन हीटिंग हम इसे मेल्टिंग कहते हैं जिसमें सॉलिड चीजें लिक्विड में चेंज हो जाती है गर्म करने पर नेक्स्ट इज कूलिंग अ लिक्विड कैन टर्न इट इंटू सॉलिड अगर किसी लिक्विड को हम ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी वी कॉल दिस फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड इन सॉलिड ऑन कूलिंग अब इसे हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को फ्रीजिंग जिसमें लिक्विड है वो सॉलिड बन जाती है ठंडी होने पर आपने वाटर लिया आपने वाटर लिया आपने उसको फ्रीज़र में रख दिया तो वो क्या बन जाएगी आइस क्यूब्स बन जाएंगी और अगर आपने आइस क्यूब्स ली आपने उसको बाहर रहने दिया रूम टेम्परेचर पे रहने दिया तो थोड़ी देर बाद वो मेल्ट होकर वो पिघल कर बर्फ़ क्या बन जाएगी पानी बन जाएगी वाटर बन जाएगी और वैसे ही अगर हमने वाटर को फ्रीजर कर फ्रीज freeze में रख फ्रीजर में रखा और उसे फ्रीज कर दिया तो वो क्या बन जाएगा वो सॉलिड बन जाएगा सो वो वी कॉल दिस फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड्स एंड टू सॉलिड ऑन कूलिंग ठंडा करने पर लिक्विड चीजें सॉलिड में चेंज हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग आइसक्रीम कैप्ट आउट ऑफ द फ्रीजर स्टार्ट मेल्टिंग जब हम आइसक्रीम को फ्रीजर से बाहर निकालते हैं आपने आइसक्रीम ली अभी आपका खाने का मन है आपने उसको फ्रीजर में रख दिया या आपने फ्रीजर से बाहर निकाली और आपने देखा कि वो थोड़ी देर बाद मेल्ट होना शुरू हो जाएगी वाई रूम टेम्परेचर से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी व्हेन वाटर इन एन आइस ट्रे इज कैप्ड इन साइड द फ्रीजर अगर हम पानी को आइस ट्रे में डालकर उसको फ्रीजर के अंदर रखते हैं तो इट फ्रीज और कूल्स टू फॉर्म आइस क्यूब्स तो वो किस किसमें चेंज हो जाएगी आइस क्यूब्स बन जाएंगी तो यहां पर देखिए मेल्टिंग कूलिंग एंड यहां पर अगेन मेल्टिंग और यहां पर कूलिंग और फ्रीजिंग अब नेक्स्ट इज हीटिंग अ लिक्विड में टर्न इन टू गैस अगर किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाएगी आपने वाटर ले रखा है वाटर लिक्विड है आपको उसे गर्म करना है तो आपने उसे आपने किसी बर्तन में किसी पॉट में आपने वाटर डाला और आपने उसको गैस के ऊपर रख दिया उसको हीट होने दिया गर्म होने दिया और उसको ऊपर से कवर कर दिया तो थोड़ी देर बाद जब वो बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें से क्या होगा गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी सो दिस इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन नेक्स्ट इज वैन वाटर इज boiled इन अ केटल स्टीम और गैस अपीयर्स जब पानी को हम कैटल में डालकर उसको बॉइल करते हैं उबालते हैं तो स्टीम और गैस दिखनी स्टार्ट हो जाती है वैन इट रेन्स वाटर गेट कलेक्टेड इन सम प्लेसेस टू फॉर्म पडल्स जैसे जगह जगह पर गड्ढे होते हैं उनमें अगर बारिश का पानी गिर जाता है कलेक्ट हो गया इकट्ठा हो गया बट द पडल्स वैन इश वैन द सन कम्स आउट लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है सूरज की गर्मी से वो जो पडल्स जो बन गए हैं उसमें जो पानी भर गया है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है दिस इज बिकॉज द हीट ऑफ द सन टर्न्स द वॉटर इंटू गैस इसका क्या कारण है क्योंकि जो सूरज की गर्मी है वो पानी को गैस बनाकर उड़ा रही है अब हम डायरेक्ट हम जो सन है वो जाकर अपने आप तो पडल में से पानी नहीं निकालेगा ना तो उसकी जो गर्मी है उसके कारण से जो पडल्स में पानी भरा हुआ है गड्ढे हैं उनमें पानी भरा हुआ है वो धीरे धीरे गैस के रूप में गैस की फॉर्म में वो उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और वो गैस बन जाते हैं अ गैस कैन चेंज इन टू लिक्विड ऑन कूलिंग जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है जब उसको ठंडा कर देते हैं दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन वेन वी होल्ड अ प्लेट ओवर boiling वाटर द स्टीम और गैस जब हम उबलते हुए पानी के ऊपर से प्लेट को पकड़ते हैं द स्टीम और गैस राइजिंग फ्रॉम द वॉटर टच इज द प्लेट कोल्डर तो जो स्टीम और गैस है जो गैस निकल रही है वो वो क्या करती है वो प्लेट को टच करती है जो कि ठंडी होती है द स्टीम और गैस कूल्स डाउन टू फॉर्म ड्रॉप्स ऑफ वॉटर तो पानी की बूंदों के रूप में लिक्विड के रूप में वो जो गैस है वो नीचे आ जाती है ऑन द प्लेट सरफेस सरफेस पर आ जाती है नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ वाटर पानी के भी अब रूप बताएंगे यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आप थ्री स्टेट्स देखेंगे थ्री फॉर्म्स और तीनों में ही वाटर है कहीं ना कहीं सॉलिड अब हमने इसमें क्या किया ये आइस क्यूब है वाटर था हमने इसको ट्रे में डाला हमने इसको ट्रे में डाल दिया उसके बाद ये आइस क्यूब्स बन गई यानी ये सॉलिड बन गई है अब आइस क्यूब्स को से अगर आप किसी को हिट करोगे तो उसे चोट लग जाएगी लेकिन अगर आप वाटर से किसी को हिट करोगे तो क्या उसको हर्ट होगा नहीं होगा वाटर से नहीं होगा हाँ लेकिन आइस क्यूब से होगा वाई क्योंकि आइस क्यूब्स है अब सॉलिड हो गई है अब ये आइस क्यूब्स थी अगर हमने इसको थोड़ी देर बाहर रखा तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई और ये क्या बन गई लिक्विड अब हमने इस लिक्विड को हमने इस पॉट में डाला और इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया तो ये क्या बन गई गैस तो वाटर कहीं ना कहीं वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स पानी कहीं ना कहीं इन तीन रूपों में मौजूद होता है सॉलिड में भी लिक्विड में भी और गैस में भी नेक्स्ट पेज नंबर एटीन समरी सो डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स एज यू नो डिपेंडिंग अपॉन इट्स फॉर्म अ थिंग इज नॉन एज अ सॉलिड लिक्विड और गैस सॉलिड लिक्विड एंड गैस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई हीटिंग मेल्टिंग और फ्रीजिंग हम किसी भी चीज का उसका रूप चेंज कर सकते हैं कैसे उसको हीट करके उसको मेल्ट करके और फ्रीज करके वाटर एक्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स पानी इन तीनों रूपों में मौजूद होता है कंडेंसेशन व्हेन अ गैस चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग ए व्हेन वैन अ लिक्विड टर्न इनटू गैस ऑन हीटिंग वाओ सो टूडे वी हैड लर्न टुडे वी हैव लर्न लॉड्स ऑफ न्यू थिंग्स सॉलिड लिक्विड गैस देन चेंजिंग फॉर्म्स एंड फॉर्म्स ऑफ वॉटर वा कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना बट द बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स आर रेस्ट तो इसको हम कम्प्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में सो नाओ द चैप्टर द एक्सप्लेनेशन हैज कंप्लीटेड अब आपको क्या करना है एक बार घर पर फिर से इस चैप्टर को रीड करना है और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में सो टेक केयर